हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और साथ में देखेंगे तीन स्टॉक्स करंट ट्रेड के लिए। तो एक वीक निकल चुका है, मंथ एंड भी आ गया है, तो मंथली वीकली डेली एनालिसिस लाइन से करते हैं और समझते हैं कि क्या मोमेंटम हो रहा है अभी। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है मंथली चार्ट में कि निफ्टी बेरिश है, सॉरी बुलिश है। कैसे बुलिश है? यहाँ से पहली बार आया था तो रेजिस्टेंस लिया था इन लेवल से, इन लेवल से कई बार रेजिस्टेंस लिया, एक दो तीन बार लिया है, 1 2 3 तीन बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, फिर यहाँ से रिकवरी किया है और रिकवरी करने के बाद पॉज लिया थोड़ा सा, यहाँ पे याली रेड कैंडल देखेंगे तो बैक डाउन किया उस वाले लेवल से और दोबारा कहीं ना कहीं उस लेवल पे आके एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया। अगर कल इन लेवल्स पे क्लोजिंग में मिल जाती है हम लोग को, अब मंथली की बात कर रहे हैं, वीकली पे आएंगे पे, अगर इन लेवल पे क्लोजिंग में मिल जाती है तो आने वाले मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बुलिश मोमेंटम ही रहेगा मार्केट के अंदर। कितने लेवल तक जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग ट्रेड लेते जाएंगे। अब आते हैं वीकली पे, तो वीकली पे भी पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम है। मंथली पे बहुत क्लियरली यहाँ पे जैसे दिख रहा था कि एक थोड़ा सा ये कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे एग्जैक्टली कप एंड हैंडल नहीं है बट फिर भी हम लोग कुछ हद तक कह सकते हैं कि है। फिर आते हैं हम लोग वीकली पे, वीकली पे आएंगे तो यहाँ पे भी कई चीज़ें क्लियर हम लोग को देखने को मिलती है, पर ये वाली लाइन्स हटा दें। एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है कि यहाँ पे इन लेवल्स पे कई बार इसने डोजी बनाया, सेम इसी लेवल पर डोजी बनाया, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, सिमिलरली केस यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक चीज़ यहाँ पे जो बार बार सेलिंग हो रही है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जा रही है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम हो नहीं पा रहा है, रिजेक्शन देने की इसने कई बार कोशिश की है। दूसरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अच्छा नेकलाइन है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो आने वाले समय में इन वाले लेवल्स पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी को, इन वाले लेवल्स पे निफ्टी को देख सकते हैं 18,400। तो ये तो हो गई वीकली और मंथली की एनालिसिस। अब आते हैं डेली पे और डेली पे कुछ चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ पे इस लेवल पे देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, दिमाग खोल के सुनना। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे देखेंगे, इन लेवल से हम लोगों ने बाइंग करने की पूरी कोशिश की थी और टारगेट लिए थे हम लोग इस वाले लेवल्स के लिए जब उस समय बाइंग कर रहे थे। तो अभी क्या सीन है, यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट मिल गया। अब यहाँ पे जो लोग नहीं बाय कर पाए थे लंबे समय के लिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे नहीं जो खरीद पाए थे उनकी बात कर रहे हैं। इसके इस कैंडल पे हम लोग को बाय करना था, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो लेना था, लो लेके टारगेट हम लोग को 18,100 या 18,200 के आसपास का रख सकते थे इन लेवल्स का, जहाँ ग्रीन मार्केट। जो अभी बाय नहीं कर पाए उनके लिए क्या मौका है कि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत क्लियरली एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी पेशेंटली समझा रहे हैं, पेशेंटली समझना, आराम से समझना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, इसकी प्राइस एक्शन समझते हैं। यहाँ पे पॉज लिया है, इन लेवल्स पे आके पॉज लिया है, या तो इन लेवल से डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है इधर तक आ जाता, बट वो हुआ नहीं, ये वाला एक माइनर रेजिस्टेंस है, कुछ लोग उसको भी अपना टारगेट लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे और बाकी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये वाला ट्रेंड नहीं पकड़ पाए थे, तो उनको क्या करना है, वो अपना ये वाला छोटा सा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो अब 50 मिनट्स पे आएंगे यहाँ पे, तो 50 मिनट्स पे यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चलता है कि एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जिसको निफ्टी अभी फिलहाल फॉलो कर रही है, ये एक ट्रेंड लाइन है। और अगर सिर्फ इतने रीजन को हम लोग देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है ये, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, बुलिश पैटर्न होता है, तो हर मंथली वीकली डेली हर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि फिलहाल अभी हम लोग को डाउन साइड ट्रेड नहीं लेनी है, और डाउन साइड ट्रेड लेनी है तो रीटेस्ट करेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे वहाँ पे। तो अब करना क्या होगा, अब मान लेते हैं कल मार्केट गैप अप खुलती है इन लेवल्स के आसपास, अब इन लेवल्स के आसपास जैसे ही गैप अप खुलेगी हम लोग को डे के लो को, जैसे उसका डे लो लगेगा वहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, वहाँ पे ट्रेड लेके हम लोग बैठ जाएंगे। अगर एक दो दिन लग सकता है 200 पॉइंट ट्रैवल करने में तो हम रिकमेंड करेंगे कि स्प्रेड बना लेना, या नहीं समझ में आता है तो नॉर्मली कॉल बाय कर लेना, जैसे भी आप लोग ट्रेड करते हो, ये बना के यहाँ पे बैठ जाएंगे इसका लो, और इस टारगेट को हम लोग अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। दो रीज़न है इसको लेने के, एक ये है कि निफ्टी बुलिश है, दूसरा ये रीज़न है कि बैंक निफ्टी में, चलो वो तो बाद में समझाते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, अभी पूरी एनालिसिस देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, यहाँ तक का टारगेट लेंगे। अब दूसरी चीज़ जो देखने वाली होगी कि रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज होता है,
रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी के अंदर, ये भी सब लोग जानते हैं। तो और यहाँ पे वीकली देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाले लेवल्स पे है रिलायंस। और यहाँ पे देखेंगे एक प्रॉपर बुलिश फॉर्मेशन है यहाँ पे इसका भी, इन लेवल से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। कल इस ट्रेंड के ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो इन इन वाले लेवल्स तक आ सकता है, अगर इन लेवल्स तक आता है तो निफ्टी हम लोग इन लेवल्स तक भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी का भी बताते हैं कैसे ट्रेड करना है। ये तो निफ्टी का रीजन था कि ये वाला टारगेट हम क्यों ले रहे हैं। ठीक, अब डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं जस्ट इन केस डाउन ट्रेड चला गया मार्केट। तो डाउन साइड की ट्रेड जब हम लोग को लेनी होगी तो डाउन साइड की ट्रेड हम लोग लेंगे जब यहाँ से ब्रेक डाउन मिल जाता है, ब्रेक डाउन मिलने के बाद एक कन्फर्मेशन के साथ जब रिटेस्ट करने लगे, डाउन साइड आने लगे, तो इन लेवल्स को हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, इन लेवल्स को लगाएंगे स्टॉप लॉस जो ये वाला स्विंग है, और डाउन साइड ट्रेड लेंगे, छोटी सी ट्रेड लेंगे, बहुत बड़ी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लोअर लोज लगाता है तो ऐड करते जाएंगे पोजीशन, नहीं तो छोटी सी 50-60 पॉइंट की ट्रेड लेंगे और ज़्यादा लंबा ट्रेवल करने की कोशिश नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार इसका भी मंथली खोल लेते हैं। मंथली पे यहाँ पता चलेगा कि मंथली पे इन्होंने क्या, बैंक निफ्टी में यहाँ पे पता चल रहा है क्लियरली कि मंथली के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट है, मंथली के अंदर ब्रेकआउट है। यहाँ से एक बार रिजेक्शन भी लिया है मंथली पे, एक मंथ रिजेक्शन लिया है फिर कंटिन्यू किया है, तो मोमेंटम इसका भी देखेंगे तो मंथली में ब्रेकआउट है और अपसाइड ही होगा। नेक्स्ट 1 से 2 महीना कह सकते हैं कि इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम ही रहेगा, भले ही स्लो होगा, उतना तेज नहीं होगा जब हम लोग कोविड के बाद वाले समय था, बट फिर भी एक इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम ही रहेगा। वीकली पे आके देखेंगे तो वीकली पे एक चीज़ हमने पिछली बार बताई थी कि अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर फ्राइडे को क्लोजिंग मिल जाती है, अगर इन लेवल्स के ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग मिल जाती है तो हम कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस दिया था इन वाले लेवल से, तो अभी इसका फिलहाल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। अगर इसके ऊपर लेकिन हमको मंडे या ट्यूजडे क्लोजिंग मिलती है तब शायद करने की कोशिश करें, बट इससे पहले ट्रेड हम लेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि निफ्टी से ज़्यादा वीक है। दूसरा मेरे पास रीज़न ये है कि अभी रिलायंस थोड़ा सा बुलिश है, तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी के मूवमेंट्स ज़्यादा बड़े होंगे अपसाइड के लिए रादर देन बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक साथ दे देते हैं तो बैंक निफ्टी भी अच्छे से दौड़ सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए हम निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद करेंगे अपसाइड के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अपसाइड ट्रेड्स कब लेनी है, क्योंकि निफ्टी में तो क्लियर हो गया, उसके अंदर जल्दी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत क्लियर है, अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर ओपनिंग मिलती है, क्योंकि एक ये अच्छा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर देखेंगे नीचे से रिकवर करने की कोशिश किया, तो अगर इन लेवल्स के ऊपर आता है दोबारा तो इन लेवल्स का टारगेट लेके ग्रीन लाइन का हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड इन लेवल्स के नीचे अगर हम लोग कैच करते हैं इसको, क्योंकि ये कि डाउन साइड मोमेंटम आया तो बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आता है तो बैंक निफ्टी हम निफ्टी से ज़्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेड करने, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वीकनेस दिखाई है बैंक निफ्टी ने। और दूसरा एक देखेंगे तो एक क्रूशल लेवल्स के नीचे आ गया, क्रूशल लेवल के नीचे आने के बाद एक बार टेस्ट किया और इसके बाद अगर नीचे आता है तो इन लेवल्स का हम स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा ट्रैवल करना पसंद करेंगे कम से कम इन लेवल्स तक के लिए। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ ले आते हैं, तो इन लेवल्स तक के लिए हम ट्राई करेंगे कि बैंक निफ्टी आ जाए। एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए बड़ा मोमेंटम और निफ्टी में अपसाइड के लिए बड़ा मोमेंटम। दोनों चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली समझाया है क्यों और किस वजह से। और इंट्राडे ट्रेड्स के लिए देख लेते हैं अब रिलायंस, तो रिलायंस में देखेंगे अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। पिछली बार भी बताया था थर्सडे को हम लोग डिस्कस किए थे रिलायंस की एक अपसाइड ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं, तो डेली और वीकली और दिखा दिया आपको इसके अंदर। तो इसके ऊपर अगर हम लोग इसका मोमेंटम कैच करें तो उसके अंदर 1.5 से 2% का टारगेट हम लोग उसके अंदर पकड़ सकते हैं रिलायंस के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल देखेंगे पिछली बार भी हम लोगों ने लिया था, बट इसके अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो बहुत सिंपल है। इन लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग इसको कैच करते हैं तो शायद वीडियो नहीं बनाई थी इसके ऊपर, जो भी है
तो इसके ऊपर अगर हम लोग को, इसके ऊपर अगर हम लोग पाते हैं तो एक अपसाइड ट्रेड लेंगे, और इन लेवल्स के नीचे आती है तो एक डाउन साइड ट्रेड लेंगे। डाउन साइड के टारगेट्स अपने ये होंगे, अपसाइड के टारगेट्स इसके अंदर 1 से 1.5% के ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर टारगेट अभी हम लोग शायद ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ब्लू स्काई जोन में टारगेट नहीं देख सकते हम लोग बहुत क्लियरली। तो डाउन साइड की ट्रेड है इसमें, अपसाइड की ट्रेड होगी तो 1 से 1.5% कैच करके निकल जाएंगे। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर अच्छा हुआ था, गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया, तो एक अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर जाता है तो इन लेवल्स के ऊपर एक हम लोग कैच कर सकते हैं अपसाइड, अपसाइड मोमेंटम फिर से दोबारा कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे इसके अंदर भी, 1 से 1.5% लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। डाउन साइड की ट्रेड इसके अंदर करना मतलब हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बट अगर इन लेवल्स के नीचे आता है तो ट्राई कर सकते हो, ये वाले लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हो, एक ही बार ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो बार बार ट्राई मत करना। बाकी जो भारतीय एयरटेल और रिलायंस बताया था उसके अंदर मिनिमम 2 ट्राई ले सकते हैं आप लोग। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, अपना कैपिटल सेफ रखना, तब तक के लिए बाय।